मेरा नाम दानियाल है और मैं एक सूफी रॉक बैंड धूल का वोकलिस्ट हूँ और बैंड मैंने खुद बनाया था लाइक बैक इन 2013। सबसे पहले तो ये कि सूफी म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़रूरी है अगर हम पहले थोड़ा बहुत सूफीज़म का जो प्रीटेक्स्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। सूफीज़म बेसिकली तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, लाइक इसको एक्सप्रेस करना, इसको एक्सप्लेन करना एक बहुत मुश्किल काम है। और लाइक ये इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि शायद इसके लिए अल्फाज जो हैं वो इंसान कभी ढूंढ ही नहीं सकता। तो बेसिकली तो ये इंसान के अंदर की एक कैफियत है, एक मेंटल स्टेट है। आप सबसे पहले बात करें तो आपको दो किस्म के इश्क है जो सूफीज़म से जोड़ता है, एक आपका इश्क मजाजी है और एक आपका इश्क हकीकी है। ये दोनों फॉर्म ऑफ इश्क, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगी। बेसिकली तो आप हिस्ट्री को पढ़ के इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, तो हिस्ट्री से आपको बहुत लोगों की एग्जांपल्स मिल जाती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अकबर जो किंग था, ही वॉज अ सूफी, वो खुदा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। फिर उसके अंदर खुदा ने उसको डिफरेंट क्वालिटीज दी थी, जिस तरह दूर अंदेशी, जो कि नॉर्मली आपको हर सूफी में नजर आएगी कि वो बहुत आगे का सोचते हैं, कि लाइक वो कोई भी सूफी हमेशा ये सोचता रहता है कि लाइक आज से 150 साल बाद अगर कोई मेरे बारे में सोचेगा तो वो मेरे एक्ट को किस तरह से जज करेगा। तो एक अपनी एक सूफी अपनी लाइफ को ना इस चीज़ के इर्द गिर्द ढाल लेता है। तो अकबर के अंदर इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज थी। फिर आपको इस तरह की बाकी एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। बाबा बुल्ले शाह ने इश्क हकीकी पे लिखा, उन्होंने खुदा से बड़े मीठे अंदाज में भी शिकवा किया और बड़े सख्त लहजे में भी शिकवा किया। उसके बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को तलाश करने की भी बहुत ज़्यादा बात की। फिर उन्होंने इश्क मिजाजी में भी बात की थोड़ी बहुत, जिस तरह जो इश्क मिजाजी सूफीज़म की जो स्टेज ऑफ इश्क मिजाजी जिसको नॉर्मली राइटर्स या पुराने पोइट्स लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो इश्क मिजाजी को एक इबादत का दर्जा देते हैं। जिस तरह बुल्ले शाह ने अपने कई शेरों में कहा कि जिस तरह एक उनका शेर है सानू किबले ते काबे सोना यार जसिंदा, तो सूफीज़म में जो इश्क मिजाजी है उसको भी एक इबादत का दर्जा दिया हुआ है। तो इस तरह की आपको सर्टन एग्जाम्पल्स मिल जाती है। मैंने अपना पर्सनल जर्नी इस तरह के लोगों को पढ़ के स्टार्ट किया था। उसमें मैंने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर है और मार्क्सिज्म थ्योरी है उसकी, जो कि बड़ी काफ़ी लोग इससे फेमिलियर हैं। इस तरह के लोगों को पढ़ा, तो फिर उस चीज़ ने मुझे एक आर्ट दे दिया कि लाइक लोगों को पढ़ने का, हिस्ट्री को पढ़ के मुझे लोगों को पढ़ने का आर्ट आ गया। इस वजह से मैं सूफीज़म से और क्या कहते हैं खुदा को पढ़ने के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया। मैंने हिंदुज़म को पढ़ा, मैंने इस्लाम को पढ़ा, मैंने डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ा। कुछ मेरी पर्सनल आइडियोलॉजीज थी इस तरह से, जो कि इश्क हकीकी से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने मुझे सूफीज़म की तरफ थोड़ा सा माइल किया। म्यूज़िक की अगर बात करें तो म्यूज़िक एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। म्यूज़िक सबसे पहले तो एक आर्ट है, ठीक है। आर्ट को मतलब आर्ट वही चीज़ है कि जो आप पर्सनली एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। वो एक वोकलिस्ट ही अपने लिरिक्स को ज़्यादा समझ सकता है बजाय इसके कि एक ऑडियंस उसको समझे। हाँ, वो आर्ट इस तरह का होना चाहिए कि हर कोई उसके साथ रिलेट कर सके। तो म्यूज़िक मैंने स्टार्ट किया बचपन से, आपके नॉर्मल जो पाकिस्तानी बैंड्स उस वक्त IM पे आते होते थे उनको सुन के मैंने स्टार्ट किया। मैंने EP को सुना, मैंने मिकाल हसन को सुना, मैंने जुनून को सुना, फिर मैंने बहुत अर्ली एज में मैंने क्वाली सुनना शुरू कर दी। मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को, आबदा परवीन को सुना। उसके बाद मैंने इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैंने आलम लोहार को भी सुना। मैं पंजाबी फोक म्यूज़िक के भी करीब था, तो मैंने अलन फ़कीर को सुना जो सिंधी म्यूज़िक मेनली करते थे। मैंने आलम लोहार को सुना जो आरिफ लोहार साहब के वालिद थे, उनको मैंने सुना। वहाँ से मुझे एक फोक म्यूज़िक की ना सेंस क्रिएट हो गई। तो उसके बाद फर्दर ये कि म्यूज़िक में मैंने फिर रॉक की तरफ जब आया तो मैंने मेटल बैंड्स को भी सुना, मैंने डिफरेंट हर किस्म के बैंड को मैंने सुना फिर आगे। और अभी भी लाइक म्यूज़िक तो एक इतनी बड़ी दुनिया कि अभी भी आप नए नए बैंड्स को सुनते हो और आप कहते हो कि यार ये लाइक किस किस्म का, लाइक आप अप्रिशिएट करते हो इस तरह के वंडर्स कर रहे हैं लोग म्यूज़िक में। तो म्यूज़िशन में बचपन से ही बनना चाहता था।
तो मेरे हिसाब से अपनी जो आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने का मेरे पास बेस्ट तरीका था वो म्यूजिक था। तो मैंने सूफीज्म को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अपने ताल्लुक को अपने खुदा से बयान करने के लिए, इश्क के हकीकी को बयान करने के लिए, उसके अलावा ह्यूमैनिटी के साथ जो मेरा लगाव है उसको बयान करने के लिए और सम टाइम्स वायलेंस को बयान करने के लिए मेरे पास जो बेस्ट तरीका है, जो मेरा वेपन है, जो मेरा आर्ट है, वो सूफीज्म, सूफी म्यूजिक है। जो पहला गाना मैंने, हम लोगों ने धूल ने रिलीज़ किया था, इसका नाम नुक्ता था और हमने ये लाइक ये ऑन एयर पहली दफ़ा बैटल ऑफ द बैंड्स के उस प्लेटफॉर्म से हुआ था। नुक्ता एक कम्बिनेशन है बुल्ले शाह की पोइट्री का और मैंने उसके अंदर कुछ पोइट्री अपनी की भी थी। वो गाना जो कलाम है इसमें आइडेंटिटी ऑफ गॉड का सबसे ज़्यादा जिक्र है। जब ये सब कॉन्टिनेंट का खत्ता ऐसा है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ये लोग साथ रहते थे, इनके बीच में वायलेंस भी था, इनकी डिफरेंट रसूमात भी थी, जो हिंदू रसूमात मुसलमान देखते थे, मुसलमानों की रसूमात हिंदू देखते थे, तो इनके अंदर एक अटैचमेंट थी, एक बिटरनेस थी, कभी कभी लड़ाई भी थी लेकिन एक अटैचमेंट भी थी। तो बुल्ले शाह जो है वो लाइक थ्रू आउट हिज लाइफ, उस टाइम पे आलमगीर औरंगजेब आलमगीर आपका किंग था और लाइक ही वाज अ वेरी कंजर्वेटिव किंग, उसने काफ़ी आपके मंदिर भी गिराए, उसने चर्च भी गिराए। तो बुल्ले शाह जो था वो उस चीज़ का क्रिटिक था एक बहुत बड़ा। तो बुल्ले शाह ने पंजाब के अंदर अपने पंजाबी कल्चर में अपनी जितनी पोइट्री लिखी है उसमें मंदिर और मस्जिद का जिक्र जो है हमेशा साथ किया है, ठीक है, उसने हमेशा इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। तो जो चीज़ मैं इसमें देखता हूँ, जो चीज़ मैंने इससे अखज की है वो ये है कि आप जब बड़े होते हैं आपके पास एक वे ऑफ प्रेइंग होता है, आपको एक रिलीजन मिला होता है सोसाइटी से, बाय द टाइम आप बड़े हो जाते हो तो आप डिफरेंट रिलीजन्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। जब आप एक हिंदू को पढ़ते हो तो आप जब वो मंदिर जाता है तो आपको उसके अंदर वही सच्चाई नजर आती है जो कि एक मुसलमान मस्जिद में जब जा रहा है तो वो जो अपने दिल में कैरी कर रहा है वही एक हिंदू मंदिर में जाते हुए कैरी कर रहा है, ठीक है, उसकी इबादत में एक सच्चाई है। एक मुसलमान की नमाज में जिस तरह सच्चाई है इसी तरह एक हिंदू की पूजा में जो है वो एक सच्चाई है। तो मेरे ख्याल में बुल्ले शाह ने मस्जिद और मंदिर को इस तरह हमेशा साथ रखा क्योंकि उन्होंने दोनों खुदाओं को जो कि यहाँ पे दो खुदा माने जाते थे, मुसलमान अल्लाह की पूजा करते थे और हिंदू भगवान की पूजा करते थे, तो इनको हमेशा डिफरेंट मौक़ों पर डिफरेंट शेरों में उसने साथ किया। और सबसे ज़्यादा जो बुल्ले शाह ने बात की है वो ह्यूमनिज्म पे की है। बुल्ले शाह ने खुदा को पाने की ट्रू सेंस ये बयान की है कि अगर आप ह्यूमनिज्म में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप पीस की तरफ जाएंगे तो आप खुदा का एक जो है एम वो आप अचीव करेंगे उसके लिए। तो इसमें ये जो गाना था ये स्टार्ट होता था एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पे बुल्ले शाह ये एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि आप जितनी मर्जी नमाज पढ़ लें, आप जितने मर्जी रोज़े रख लें, आप जितने मर्जी हज कर लें, जब तक आपका दिल साफ नहीं है, जब तक आपका दिल पीसफुल नहीं है, आपका दिल पीस ओरिएंटेड नहीं है, तब तक आपकी इन इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप उस इबादत की ट्रू सेंस को नहीं समझ रहे। आप सिर्फ एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप अदा कर रहे हैं लेकिन आप उसको ट्रू सेंस में ले नहीं रहे। तो ये गाना जो स्टार्टिंग उसका शेर था ये था, वैद कुराना पढ़ पढ़ थके, कर कर सजदे घिस गए मत्थे, नारब तीरथ नारब मक्के, नारब अर्श मोहल्ले नारब खाने का। और मैं धूल में ड्रम्स प्ले कर रहा हूँ, आप पिछले ऑलमोस्ट 10-12 सालों से तो प्ले कर रहा हूँ लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स में, और मेरा अपना बैंड भी था लेकिन कभी भी कोई चीज़ यू नो डायरेक्ट पाथ भी नहीं लगती थी, हालांकि म्यूजिशियन ही बनना था लेकिन कुछ ना कोई चीज़ रुक रही थी, बजाना भी आ गया था लेकिन समथिंग वॉज नॉट हिटिंग मी प्रॉपरली अंटिल लास्ट ईयर, जब पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स का सेकेंड ऑडिशन हुआ था, उस वक्त दानियाल जो कि इस बैंड का वोकलिस्ट है ऑल्सो द फाउंडिंग मेम्बर, उसने हम लोगों के साथ कुछ शोज में प्ले कर रहा था सेशंस के ऊपर लेकिन प्रॉपरली इंडल्ज नहीं था बैंड के अंदर। हम लोग की आपस से बात हुई, पेप्सी आ रहा था और इस तरह से मैं उनके बैंड में अपनी जगह बना सका। जब मैं धूल में आया था उस वक्त मुझे सूफी म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने हमेशा नुसरत फतेह अली खान या आबदा परवीन से इनको देखा है प्ले करते हुए।
कभी इन चीजों को समझा भी नहीं कि जो ये कह रहे हैं इसके पीछे क्या कोई मतलब है या नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई न्यू कि ये फेमस लोग हैं तो उनके गाने कवर करने हमेशा कर दिया करता था. और भी बहुत से बीच में आए थे जो कि दानियाल ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे अलन फकीर और डिफरेंट बैंड्स सूफी जो करते हैं अपने, जिसका नाम स्केचेस है और बहुत बड़ा वो शो करवाते लहूती मेला के नाम से. और भी डिफरेंट बैंड्स जो कि मैंने फिर आके अपनी इस फील्ड के अंदर मैंने जो बैंड्स देखे थे, रॉक मेटल सारे गाने कर चुका था, लेकिन मैंने कभी भी इस जॉनरा को टच नहीं किया था. एक डिफरेंट इंसान था जब मैं रॉक करता था, क्योंकि उनके भी मीनिंग्स होते हैं डेफिनेटली. जो भी बड़ा बैंड है या इवन कि हम भी गाने लिखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है, बट कोई चीज़ ऐसी इतनी डीपली आपको हिट नहीं करती अनलेस आप लोग सूफी म्यूजिक पढ़ें सुने समझें या बजाएं. पढ़ने में तो मैं इतना सूफी चीज़ें पढ़ तो लेता हूँ लेकिन समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने अपना एज अ नरेटर दानियाल को रखा हुआ है. इसके अंदर आपको इंसान से लेके रूहानी यू नो पावर्स एवरीथिंग, यू कैन टच एनीथिंग इन सूफी म्यूजिक. आपका दिमाग और ब्रॉड करता है, स्पेशली आजकल की जनरेशन के लिए आई बिलीव के सबको एक ना एक दफ़ा ज़रूर इन डेप्थ जाके इसको टच जरूर करना चाहिए. हम लोग अक्सर गाना कवर करते हैं निन नशे विच, जो कि एक इंसान की स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर है, होप आई एम राइट इसके ऊपर, लेकिन मुझे पता ही नहीं था जब वो गाना हमने बहुत दफ़ा बजाया किया, इवन कि हमने प्री ऑडिशन में भी किया था पेप्सी के, मुझे मतलब जब तक समझ नहीं आया, आई कुडंट फील इट. मैं ड्रम्स पे उस मोशन के साथ बजा नहीं सक रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि किस चीज़ के ऊपर लिखा गया, दैट वॉज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग. हम सबको बहुत से मौके मिलते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन स्टेज के ऊपर जाके जो एक्सप्रेशन आप थ्रू सूफी म्यूजिक देख सकते हैं, मैंने मतलब इवन के यू नो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के भी गाने बजाए हैं हमने, मेटालिका मेडन मेगाडेथ सब कवर किए, लेकिन फील के साथ समझ के अगर आप ये चीज़ें बजाएं पढ़ें तो एक डिफरेंट दुनिया है. एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट.